नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता। मेरे चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें किस तरह के स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स का यह सपना होता है कि उनके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े, एक बड़े स्कूल में पढ़े, जहाँ पर उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अपने जीवन को सरल तरीके से जीने की सीख मिले। तो किस प्रकार के स्कूल में हमें अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप आज से 10 से 15 साल पीछे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि स्कूल और कॉलेजेस इसीलिए खुला करते थे ताकि हर बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले और हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो। इसीलिए स्कूल और कॉलेजेस की फीस भी काफ़ी कम हुआ करती थी और पेरेंट्स अपने बच्चों के कोर्सेज के लिए, आगे कोर्सेज के लिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर, पीएचडी, एमबीबीएस, एमबीए, ऐसे बड़े बड़े कोर्सेज के लिए पैसे इकट्ठा करते थे, पैसे सेविंग्स करते थे, ताकि आगे चलकर उनके बच्चे कुछ अच्छा प्रोफेशन हासिल करें, कुछ अच्छा बन सके। पर आजकल के पेरेंट्स केवल मिडिल क्लास, स्पेशली हम सभी मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं, हम अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करना चाहते हैं। पर अच्छा स्कूल हमने कैसे डिसाइड कर लिया है कि यह स्कूल बहुत अच्छा है? हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि जिस स्कूल की फीस सबसे ज़्यादा है, जिस स्कूल की फीस सबसे ज़्यादा है, वह स्कूल सबसे अच्छा है, और हम एक दूसरे का देखकर अपने बच्चों को भी उसी स्कूल में एडमिशन दिलवाने की होड़ में लग जाते हैं। और आप देखेंगे कि प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर और सीनियर जैसे क्लासेस के लिए कई पेरेंट्स 5000 से 6000 पर मंथ अपने बच्चों के पीछे जमा करवाते हैं, फीस देते हैं। तो क्या वो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? इतनी सारी फीस वो प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर, सीनियर जैसे क्लासेस के लिए जमा करवाते हैं, और इवन अच्छे स्कूल में डालने के बावजूद वो अपने बच्चों के लिए स्पेशल ट्यूशन, स्पेशल क्लासेस भी करवाते हैं। क्या उन्हें अच्छे स्कूल पर भरोसा नहीं है जो वो अपने बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस भी करवा लेते हैं, और क्लासेस में भी वो 500 टू 1000 रुपीस तक दे देते हैं? इससे हम मिडिल क्लास वालों का पूरा बजट हिल जाता है, पूरा बजट हमारा हिल जाता है। हम ऐसे प्री प्राइमरी स्कूल के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बच्चों के पीछे, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। क्योंकि आज स्कूल एक बिजनेस की तरह हो गया है। हर कोई स्कूल इसीलिए खोल रहा है ताकि उसे अच्छा खासा इनकम मिल सके, अच्छी खासी कमाई हो सके। इसीलिए हर दूसरा पॉलिटिशियन, हर दूसरा बिजनेसमैन स्कूल और कॉलेजेस खोल रहा है, और वो अच्छी खासी फीस भी चार्ज करते हैं, और इवन अच्छा खासा डोनेशन भी वसूल करते हैं हर पेरेंट्स से। और आप ये भी देखोगे कि जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं वो एडमिशन्स के पहले हमारे बच्चों के इंटरव्यूज लेते हैं, ना केवल बच्चों के बल्कि पेरेंट्स के भी इंटरव्यूज लिए जाते हैं। और अगर हमारा बच्चा एकदम एक्टिव है, एक्टिवली वो उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देता है, तो ही वो उसे अपने स्कूल में एडमिशन लेते हैं। और दूसरी तरफ कॉलेज में एडमिशन्स किस बेस पे होता है? अगर हमारे परसेंटेज अच्छे हों, हम 80-85 अच्छे परसेंटेज लाकर पास हुए हों, तो ही वो अपने कॉलेज में हमें एडमिशन्स देते हैं, और आगे चलकर ये कहते हैं कि देखो हमारे स्कूल का या फिर हमारे कॉलेज का कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, हमारे बच्चे कितने अच्छे परसेंटेज लाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर हमारा बच्चा एक्टिव है, हमारा बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, अच्छे परसेंटेज लाया है, तो वो आगे चलकर भी अच्छे परसेंटेज ही लाएगा, वो अच्छे परसेंटेज से ही पास होगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। इसमें स्कूल की कहाँ मेहनत आई? उसने तो कुछ मेहनत नहीं किया, उसने तो अच्छे स्टूडेंट को ही अपने स्कूल में लिया है या अपने कॉलेज में लिया है, जो कि हमेशा अच्छे ही परफॉर्म करेंगे। तो इसमें स्कूल की तो कोई भी मेहनत नहीं है, इसमें कॉलेज की तो कोई भी मेहनत नहीं है, पर सारा क्रेडिट वो अपने स्कूल और कॉलेज को दे देते हैं। और हम मिडिल क्लास
हम उसी में फंस कर रह जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है हाँ उस स्कूल का तो बहुत ही अच्छा है रिजल्ट, हर बच्चा अच्छे परसेंटेज से पास होता है। जब वो अच्छे परसेंटेज वाले बच्चों को ही, एक्टिव बच्चों को ही अपने स्कूल में लेंगे तो उनकी रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली अच्छी ही आएगी। हमें इस सभी में फंसना नहीं है, इस सभी से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि इसका हमारे बच्चों पर भी बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। जब हम इतनी सारी खर्चे अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर करते हैं तो हम उन पर एक तरह से कहीं ना कहीं दबाव भी बनाते हैं उन पर पढ़ाई करने का, बेहतर पढ़ाई करने का। इससे बच्चे प्रेशराइज होते हैं, और जब हमारे बच्चे अपने ही स्कूल के दूसरे बच्चों के रहन सहन को कॉपी करते हैं, और जब हम किसी कारणवश उन्हें वो सारे रहन सहन नहीं दे पाते हैं तो भी वो डीमोटिवेट होते हैं, अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों को सोचना होगा, इन सभी चीज़ों पर विचार करना होगा। अभी से ही हमारे बच्चे किसी टेक्नोलॉजी के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अगर हम उन्हें अच्छा मार्गदर्शन देंगे, उन्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिट करेंगे जहाँ पर उन्हें अच्छा खासा डेवलपमेंट मिले, अच्छा खासा पढ़ाई सीखने मिले, लर्न करने मिले, तभी हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पर जाएंगे और वो सफल होंगे। तो हमें अभी से ही अपने बच्चों पर इतनी खर्च करने की तो शायद कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त खर्च करने के बजाय ये सारे पैसों को हमें कहीं सेविंग में डालना चाहिए, जहाँ पर हमारे ये पैसे, हमारी ये सेविंग्स दुगुनी तिगुनी हो, जिससे कि आगे जाकर जब हमारे बच्चे अच्छी कोर्सेस करें, MBA प्रोफेशन अपनाएं, या फिर PhD करें, डॉक्टर बने, या फिर कोई भी अच्छा प्रोफेशन अपनाए, तो उस वक्त उन सारे कोर्सेज को करवाने के लिए हमें इस पैसे को यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि अभी हमें एक दूसरे का देखा देखी कि हमारे बाजू वाले ने भेजा है स्कूल में तो हमें भी अपने बच्चों को बड़े ही स्कूल में भेजना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों का देख कर नहीं चलना चाहिए। हमारा जो बजट है, हमारे बच्चे किस काबिल हैं, अगर हम अच्छा मार्गदर्शन देंगे, अच्छी तरीके से मोटिवेट करेंगे अपने बच्चों को, तो हमारे बच्चे कहीं भी किसी भी स्कूल में, एवरेज स्कूल में भी पढ़ाई कर सकते हैं, और वो सारे पैसे हम उनके आगे वाले समय के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने जीवन में कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना झेलना पड़े उन्हें। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बारे में थोड़ा सोचें कि हमें अपने बच्चों के एडमिशन्स किस स्कूल में करवानी चाहिए। क्या सबसे ज़्यादा फीस लेने वाला ही स्कूल सबसे बेहतर है? क्या वही सबसे बड़ा स्कूल है? हम एवरेज स्कूल में भी अच्छी खासी पढ़ाई होती है, हम वहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं, और अगर हम उनका अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, उनकी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देंगे, तो वो अपने आप ही आगे निकल जाएंगे और एक्स्ट्रा खर्चा करने से हम बच जाएंगे। इससे हमारा बजट भी काफ़ी अच्छा खासा रहेगा, और उन सारे जो एक्स्ट्रा हम पैसे बड़े स्कूलों के लिए खर्च कर रहे हैं, उस पैसों को हम सेविंग्स करेंगे, और सेविंग्स करके उसे दिगुना तिगुना बनाएंगे, जिससे कि आगे जब हमारा बच्चा कोई कोर्स करे तो वहाँ पर हम उसे इन्वेस्ट करें, जिससे कि उसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। तो पेरेंट्स इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि बच्चे का भविष्य हमारे हाथ में है। अगर हम अभी ही सारा खर्च कर देंगे प्री प्राइमरी स्कूल जैसे क्लासेस के लिए, तो आगे हम अपने बच्चों के भविष्य में कैसे सुधार लाएंगे, तो इस बारे में सोचिएगा। अगर आपको मेरा ये सुझाव या ओपिनियन सही लगता है तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, अगर हाँ तो एक लाइक कीजिए और अपने और भी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। Thank you for watching. Thank you.